बिहार में जो नई सरकार बनी है उसके मंत्री परिषद का विस्तार हो गया है और सबसे ज्यादा एक्शन मोड में तेज प्रताप यादव दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव को पर्यावरण मंत्रालय मिला है और मंत्रालय मिलते ही एक्शन मोड में नजर आए हैं तेज प्रताप यादव। पहले तो अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक किया और अपने विभाग की सभी परेशानियों को सुनने के बाद जू पहुंच गए, संजय गांधी जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर पहुंचकर वहां के सभी अधिकारियों से मुलाकात किया और उसके बाद निर्देश दिया कि जो भी यहां पर व्यवस्था जो है वो लचर हो गई है उसको तुरंत दुरुस्त किया जाए। पहले ये विजुअल देखिए किस तरीके से तेज प्रताप यादव जू में घूम रहे हैं और सभी जानवरों को देख रहे हैं और उसके बाद जू का निरीक्षण कर रहे हैं। घूमेंगे हाँ। बाकी बच्चों को भी देखेंगे बाकी बच्चों को अब जू में आए तो जो जो एनिमल्स हैं उसको तो विजिट करना ही है। तो देखा अपने पर्यावरण मंत्रालय मिलते ही तेज प्रताप यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि कहीं भी कोई भी समस्या हो हमसे बात करिए और उस समस्या को का तुरंत समाधान करिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए इस विभाग में। और तेज प्रताप यादव अब ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके विभाग में कोई भी काम हो उस काम को वो तुरंत पूरा करे ताकि नीतीश कुमार उनको शाबाशी दे सके, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और उनको शाबाशी दे सके, ये सोचते हुए तेज प्रताप यादव अपने विभाग में हर वो काम करना चाहते हैं जो काम रुक गया है किसी कारणवश, उस काम को तुरंत से तुरंत पूरा करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया है और आज पटना के चिड़ियाघर पहुंचकर सभी वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके और कहा कि जो भी यहाँ की व्यवस्था लचर व्यवस्था है उसे तुरंत दुरुस्त किया जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।